इसका प्रभाव दोनों सेक्सेस में देखा जा सकता है। ज्यादातर स्तनधारी जीव जन्म के समय असहाय होते हैं, लेकिन इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं है। ये अपनी जिंदगी की शुरुआत वयस्कों की ही तरह दौड़ने, भागने और काटने से करते हैं। स्पॉटेड हाइना मादाओं के अक्सर जुड़वा बच्चे होते हैं और ये बच्चे बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करते। ये बचपन से ही एक दूसरे का गला पकड़ने लगते हैं। जो बच्चा दबदबा दिखाता है उसी को माँ का ज्यादा दूध मिलता है और इसके जरिए उसे अपने दूसरे भाई या बहन से ज्यादा बड़ा और ज्यादा मजबूत होने का मौका भी मिलता है। लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन का स्तर स्थायी रूप से ज्यादा हो तो बच्चों में सिर्फ बेरहमी ही नजर आती है। इसका एक और नजर आने वाला साइड इफेक्ट भी होता है। मादर स्पॉटेड हाइनास का क्लिटोरिस बिल्कुल किसी पीनस जैसा ही दिखता है। उनके बच्चों का तो जन्म भी इससे ही होता है। हालांकि बर्थ कैनाल बहुत संकरी होने से माँ और बच्चे दोनों की मृत्यु दर काफी ज्यादा होती है। माना जाता है कि हाइनास का विकास इस तरह इसलिए हुआ क्योंकि ज्यादा नर हार्मोन लेवल वाले ऐसे जीव ज्यादा आक्रामक होते हैं, इसलिए खुराक के मामले में ज्यादा कामयाब भी रहते हैं। खाने का वक्त खून खराबे से भरा होता है। बेशक नर और मादा हाइनास अपने